अयोध्या में जलाई गई 108 फीट की अगरबत्ती। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की विधियां आज 16 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं और इस बीच अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती जला दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ भी है और यह अगरबत्ती जन्मभूमि के परिसर को सुगंधित करेगी। ये अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मंगलवार को नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में ये अगरबत्ती जलाई गई है। राम मंदिर के अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही आज इस अगरबत्ती को जलाया गया। महंत नृत्य गोपाल दास ने जब इसे जलाया तो लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिया और यह अगरबत्ती आज से 1.5 महीने तक चलेगी। इस दौरान इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक महसूस की जा सकेगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इस अगरबत्ती की सुगंध से राम नगरी महकती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया है जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और इसकी चौड़ाई 3.5 फीट है। इसका वजन 3610 किलोग्राम है और इसे जड़ी बूटियों से बनाई गई है। इसमें गाय का गोबर भी इस्तेमाल किया गया है और आज इस अगरबत्ती को जला दी गई है। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती की सुगंध करीब 1.5 महीने तक सूंघने मिलेगी और 1.5 महीने तक ये अगरबत्ती जलने वाली है।